बाढ़ पीड़ितों का बांटा दर्द, बांटे लंच पैकेट। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए समाज सेवी। हमीरपुर में जहां यमुना और बेतवा ने अपना विकराल रूप दिखा, क्षेत्र में हड़कंप मचा रखा है, तो वहीं बड़ी संख्या में खेती जलमग्न हो चुकी है और लोग प्रशासन के द्वारा चलाए जा रहे राहत शिविरों में शरण ले रहे हैं और कुछ लोग सड़क किनारे ही डेरा डाले हुए हैं। वहीं हजारों घर जमीन दोज हो चुके हैं। ऐसे में अब समाज सेवी भी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए हुए हैं। मौदहा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि लाल राम निषाद ने आज सड़क किनारे डेरा जमाए बाढ़ पीड़ितों से बातचीत की और उनके दुख दर्द को साझा किया। वहीं उनके भोजन के लिए लंच पैकेट की व्यवस्था की। लाला राम जाट ने बताया कि दो दिन से हम बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन व्यवस्था में लगे हुए हैं। इस मौके में लाला राम निषाद, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि, वरिष्ठ भाजपा नेता रामदेव सिंह, कौशलेंद्र सिंह, इंद्रजीत वरदानी निषाद, राम सेवक सुरेश कुमार, सुनील कुमार सहित छेरका गाँव के गणमान्य लोग मौजूद रहे। इतनी भीषण बाढ़ आई हुई है 1983 से और इतनी भयानक बाढ़ अब आई है, तो ऐसी त्रासदी में हमारी सरकार ने व्यवस्था की है। हमारा शासन प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है लोगों की हर सुविधा के लिए, चाहे वो स्वास्थ्य हो या खाने पीने का सामान हो या पशुओं के लिए हो, हर चीज़ की व्यवस्था की गई है। और कुछ लोग जो राहत शिविर में नहीं जा पाए, ये रोड के किनारे अपना रुके हुए हैं अपनी मर्जी से, तो उन लोगों के लिए हम लोगों ने ये अपने पर्सनल व्यवस्था की है। जैसे लंच पैकेट है, कल लंच पैकेट वितरित किए थे, आज तहरी बनवा करके लाए हैं। इसी तरह से सेवा का एक अवसर ये है कि ऐसी दुख की घड़ी में हम लोग भी सम्मिलित हों, उनका उन लोगों का दुख बटाएं और सेवा परमो धर्मा के तहत नर सेवा नारायण सेवा, इसी को लेकर के हमारा धर्म है और हम लोगों का यही कर्तव्य है मानव का कि मानव की सेवा करें। ऐसी स्थिति में बाढ़ के जो पीड़ित हैं उनके लिए ये व्यवस्था की गई है। अपडेट मीडिया के लिए हमीरपुर से अमित कुमार की रिपोर्ट।